दोस्तों, काफ़ी बार हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम किसी से कुछ कहना तो चाह रहे हैं लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ऐसी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो आपको इस तरह की सिचुएशन में मदद करेंगी। जैसे कि अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है लेकिन आप उसको डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, या आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं दिखाना चाहते कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, या आप किसी से अपना आइडिया कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या आप लोगों से ऐसा काम कैसे करवा सकते हैं जो वो नहीं करना चाह रहे हैं, या आप किसी का बुरा बर्ताव कैसे सही कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक बुक से जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। चार्ल्स श्वाब, जो एक बहुत बड़े बिलियनेयर है अमेरिका के, एक बार वो अपनी स्टील मिल्स में जा रहे थे और वहां पे उन्होंने देखा कि कई सारे एम्प्लॉयज थे जो स्मोक कर रहे थे और उनके ऊपर ही एक साइन लगा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि अपने ऊपर देखो, तुम्हें साइन नहीं दिख रहा है, यहां पे साफ साफ लिखा है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो। लेकिन उन्होंने ये सारी चीज नहीं की, उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो अपने एम्प्लॉयज के पास गए और उन्होंने उनको एक एक सिगार गिफ्ट करी और फिर उनसे बोला कि यार तुम लोग अगर इसको बाहर जाके स्मोक करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं उन्होंने किस तरीके से इनडायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को खुश भी किया गिफ्ट देके, और एक तरीके से उन्होंने ये भी उनको समझा दिया कि तुम लोग ये जो गलती कर रहे हो ये आगे से ना करना। उनके एम्प्लॉयज़ को पता था कि उन्होंने रूल तोड़ा है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगा कि चलो हमारे बॉस ने हम लोगों को शर्मिंदा नहीं किया और हम लोगों को एक गिफ्ट भी दे दिया। अब काफ़ी लोग ये सब सुन तो लेते हैं लेकिन तब भी वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो बट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग लेकिन बोलेंगे। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा तुम्हारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो अच्छे आए लेकिन तुमको मैथ्स में और मेहनत करनी चाहिए और अपने मार्क्स बढ़ाने चाहिए। और जब आप लेकिन कह देते हैं तो उस बच्चे को लगता है कि आपने उसकी तारीफ करी ही नहीं, आपने जो भी उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोली होती हैं वो गायब हो जाती हैं जैसे ही वो लेकिन शब्द को सुनता है। तो लेकिन की जगह आपको एंड यूज़ करना चाहिए या और आपको बोलना चाहिए। तो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा ज़्यादातर सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं और अगर तुम मैथ्स में और मेहनत करोगे तो तुम्हारी टोटल परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे इंसान को अच्छा भी लगेगा और वो आपका क्रिटिसिज्म और आसानी से सुन भी लेगा। अब ये काम इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादातर टाइम अगर आप किसी की बहुत बड़ी गलती को पॉइंट आउट कर देंगे तो उसको शर्मिंदा फील होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी इंसान को शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अगर आप इनडायरेक्टली उसकी बात को पॉइंट आउट करेंगे तो उसको अच्छा लगता है कि आपने उसको शर्मिंदा नहीं किया और वो अब अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक और एग्जाम्पल दिया गया है एक औरत का इस बुक में, जिसका नाम था मार्ज जेकब। उसके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते थे उसके यहाँ, वो लोग अच्छे से तो काम कर रहे थे लेकिन वो काम करने के बाद सफाई नहीं करते थे और बहुत गंदगी पीछे छोड़ देते थे। अब मार्ज को पता था कि अगर वो उन लोगों को जाके डांटेगी कि तुम लोग कितनी गंदगी कर देते हो, तुम लोग साफ सफाई नहीं रखते हो, तो उनको बुरा लग जाएगा और वो काम जो अच्छे से कर रहे थे वो शायद उतना अच्छे से काम ना करें। तो एक दिन मार्ज ने उन लोगों के जाने के बाद सारी सफाई कर दी और सारी जितनी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ थी और जितनी भी गंदगी थी उसकी एक पाइल बना के उसको एक किनारे रख दिया। अगले दिन जैसे ही वो वर्कर्स आए तो उसने उनकी तारीफ करना शुरू कर दी कि आप लोगों ने साफ सफाई पिछले दिन बहुत अच्छे से करी थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उन वर्कर्स को तो पता था कि उन लोगों ने साफ सफाई नहीं करी थी लेकिन ये तारीफ सुनने के बाद उनको लगा कि हाँ यार हम लोगों को साफ सफाई करनी चाहिए और वो लोग अपने आप हर दिन के अंत में साफ सफाई करके जाते थे। तो यही फायदा होता है जब आप लोगों की मिस्टेक्स को डायरेक्टली नहीं बताते हैं लेकिन कोई और तरीका निकाल लेते हैं उसकी तरफ इनडायरेक्टली उनका ध्यान लाने के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आप किसी से कैसे कोई काम करा सकते हैं बिना उसको लगे कि आप उनको एक ऑर्डर दे रहे हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको बुरा लगता है, उसको लगता है कि ये इंसान मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से उनके अंदर आपके लिए बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक एकेडमी थी जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी और वहाँ की पार्किंग में एक इंसान ने ऐसी गलत पार्किंग कर दी थी जिसकी वजह से किसी की गाड़ी निकल नहीं सकती थी और सारी गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई थी। एकदम से एक टीचर आया और वो चिल्लाने लगा सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि किसने अपनी गाड़ी इस तरीके से खड़ी कर दी है, उस कार को अभी वहाँ से फौरन हटाओ वरना मैं तुमको घसीट के वहाँ ले जाऊँगा और तुमसे गाड़ी हटवा के रहूँगा। अब ये बहुत गलत तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। हाँ, माना कि उस इंसान ने गलती करी वहाँ पे अपनी गाड़ी उस तरीके से पार्क करने से, लेकिन जिस तरीके से उस इंस्ट्रक्टर ने सारे स्टूडेंट्स पे चिल्लाया सारे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा। उस दिन के बाद से किसी भी स्टूडेंट ने उस इंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करी और वो इंस्ट्रक्टर को कोई स्टूडेंट नहीं पसंद करता था।
अब इस सिचुएशन को दूसरी तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। अगर वो इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट से आके आराम से पूछता कि रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, वो किसकी गाड़ी खड़ी है, और फिर वो आराम से बोलता कि अगर वो इंसान वो गाड़ी हटा ले तो और गाड़ियों के आने जाने में आसानी हो जाएगी, तो वो स्टूडेंट जिसकी भी वो गाड़ी थी वो आराम से जाता, वो गाड़ी हटा देता और इंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट बनी रहती। तो बेसिकली आपको ऑर्डर नहीं देने चाहिए लोगों को, लेकिन आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे दूसरा इंसान अपने आप समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल पूछने से दूसरे इंसान की भी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वो भी अलग अलग तरीके के सोल्यूशन सोचने लगता है और लोगों को लगने लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक ऑर्डर नहीं है और इस वजह से वो काम और आसानी से कर लेंगे। इस बुक में हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया इयन मैकडोनल्ड का, जिनकी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उनको एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जो उनको पता था बहुत मुश्किल होगा फुलफिल करना। तो उनको अपने सारे एम्प्लॉय से जाके कहना था कि और ज़्यादा मेहनत करनी और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन उनको पता था कि अगर वो जाके डायरेक्टली ऑर्डर्स देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि और मेहनत करो, हम लोगों को ये डेडलाइन किसी ना किसी तरीके से पूरी करनी है, तो सारे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनको ऊपर से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो इयन मैकडोनल्ड ने दूसरा तरीका अपनाया, उसने सारे एम्प्लॉय से जाके सिचुएशन बताई कि देखो हम लोग को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब तुम लोग मुझे आइडियाज़ दो कि इसको हम लोग फुलफिल कैसे कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ ने धीरे धीरे अपने आइडियाज़ देने शुरू किए और एम्प्लॉयज़ को भी लगने लगा कि वो लोग भी डिसीजन लेने में इन्वॉल्व थे। उन लोगों को अच्छा लगा कि उनके बॉस ने आके उनसे तरीका पूछा। इसकी वजह से हर किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और वो लोग उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाए। अब ये ज़रूर बिल्कुल भी नहीं हो पाता अगर इयान आके सब लोगों के ऊपर ऑर्डर चिल्लाता। तो यही फ़ायदा होता है जब आप ऑर्डर नहीं देते दूसरे इंसान को, बल्कि आप उनसे सवाल पूछते हैं जिससे कि उस इंसान को अपने आप वो बात समझ में आ जाए। अब अगला पॉइंट है कि आप किसी से अपना आइडिया कैसे अग्री करवा सकते हैं। एक आर्टिस्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम था यूजीन वेसन। अब यूजीन डिजाइंस बनाता था अपने आर्ट स्टूडियो में और वो स्टाइलिस्ट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को वो डिजाइंस बेचता था। यूजीन की आंख थी एक बहुत बड़े क्लाइंट पे जो न्यूयॉर्क का बहुत फेमस स्टाइलिस्ट था, लेकिन वो क्लाइंट कभी भी उससे कुछ खरीदता नहीं था। वो क्लाइंट आ तो जाता था, वो उसकी सारी डिजाइंस देखता था, लेकिन वो हमेशा यूजीन को मना कर देता था। वो बोलता था कि यार मुझे तुम्हारी डिजाइंस इस बार नहीं पसंद आई है। अब इस तरीके से यूजीन ने 150 बार उस क्लाइंट को अपनी अलग अलग डिजाइंस दिखाई और हर बार उसको ना ही जवाब में मिला। एक दिन उसने एक नया अप्रोच लिया, वो बहुत सारी इनकम्प्लीट डिजाइंस उस क्लाइंट के पास ले गया और उसने क्लाइंट से आइडियाज मांगे। उसने पूछा उससे कि अगर आपको ये डिजाइंस कंप्लीट करनी होती अपने हिसाब से तो आप कैसे कंप्लीट करते हैं। तो उस क्लाइंट ने यूजीन से बोला कि तुम इन डिजाइंस को मेरे पास 3 दिन के लिए छोड़ के चले जाओ, फिर आओ मेरे पास और मैं तुमको कुछ बताता हूँ। फिर 3 दिन बाद यूजीन जब वापस आया तो उस क्लाइंट ने उसको अलग अलग तरह के आइडियाज़ दिए कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यूजीन ने उसी आइडिया के हिसाब से वो डिज़ाइंस कंप्लीट करी और फिर उस क्लाइंट ने यूजीन से सारी डिज़ाइंस खरीद ली। उसके बाद लगातार यूजीन को उसी क्लाइंट से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहे। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि यूजीन जब तक अपना दिमाग लगा रहा था और वो अपने आइडियाज़ अपने क्लाइंट को बेचने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने क्लाइंट से आइडियाज़ लेने शुरू कर दिए, उसके क्लाइंट को लगने लगा कि मैं अपने ही डिज़ाइंस खरीद रहा हूँ, और ऑब्वियसली हर किसी को अपने आइडियाज़ पसंद होते हैं, इसलिए वो डिज़ाइंस उससे खरीदने लगा। तो सबसे आसान तरीका किसी को अपने आइडियाज़ पसंद करवाना है कि उस इंसान को लगे कि वो उसी का अपना आइडिया है। तो आप ये कर सकते हैं कि उस इंसान से ऐसे सवाल पूछिए कि वो इंसान आपको अपने आइडियाज़ बता दे और फिर उन्हीं आइडियाज़ को आप उस इंसान को वापस दिखाइए और फिर वो इंसान उस आइडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि वो उसका अपना खुद का आइडिया है। अगली चीज़ है कि आप लोगों से वो काम कैसे करवा सकते हैं जो उनका वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एल स्मिथ गवर्नर थे न्यूयॉर्क के और उनके पास बहुत मुश्किल काम था। सिंग सिंग जो उस ज़माने की बहुत ही डेंजरस प्रिजन हुआ करती थी, वहाँ पे कोई भी वार्डन नहीं था। अब वहाँ पे बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे थे, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें हो रही थी उस प्रिजन के अंदर और वहाँ पे एक वार्डन की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन एल स्मिथ को समझ में नहीं आता कि किसको भेजें। उन्होंने एक ल्यूस लॉज को बुलाया जो उनको लगता था कि उस जॉब के लिए सही आदमी है। अब ल्यूस लॉज ने जब इसके बारे में सुना तो उसको लगा यार मैं सिंग सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारी डेंजरस चीज़ें होती हैं और इस अपॉइंटमेंट में तो पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है, कौन जाके इतनी सारी चीज़ें झेलेगा। ये सब सोचने की वजह से ल्यूस का एकदम भी मन नहीं था वहाँ पे जाने के लिए। एल स्मिथ ने फिर ल्यूस से बोला कि मैं समझ सकता हूँ अगर तुम नहीं जाना चाहोगे, वहाँ पे एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत है, तो अगर नहीं तुम जाना चाहोगे तो मैं समझ सकता हूँ। अब आपको क्या लगता है ये सुन के क्या हुआ? एकदम से ल्यूस को लगने लगा कि एक चैलेंज है। अब ल्यूस ये थोड़ी बोलेगा कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो ल्यूस ने वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया।
और वहाँ पे जब वो गया तो उसने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। वो उस ज़माने का सबसे फेमस वार्डन बन गया। उसने वहाँ पे अपने टाइम के बारे में किताब भी लिखी जिसने लाखों कॉपियाँ बेची। उसने उस पूरी प्रिजन को अंदर से बदल दिया और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली एल स्मिथ ने लुइस को कैसे कन्विंस किया। उसने उसको एक चैलेंज दिया, उसने कहा कि हाँ ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान ही कर पाएगा। अब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो ये साबित कर सके कि मैं भी टैलेंटेड हूँ या मैं भी स्ट्रांग हूँ, और इसीलिए लुइस ने वो काम एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरीके से जहाँ भी आपको लगे आपको किसी और से काम करवाना और ज़्यादातर टाइम वो काम करना नहीं पसंद करेंगे, तो आप भी उनको चैलेंज देखिए और हो सकता है वो आपका काम बहुत आसानी से कर दें। और अगला पॉइंट है कि आप किसी का बुरा बर्ताव सही कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मार्टिन फिट्ज़ह्यू, उनको बहुत हैरानी हुई देख के जब उन्होंने ये देखा कि एक मेटल कप होल्डर जो वो अपने पेशेंट्स को देते थे वो अंदर से बहुत गंदा था। अब ऑब्वियसली वो डेंटिस्ट थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनका सारा इक्विपमेंट साफ़ हो। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जो भी उनका सामान साफ़ करता है, जो भी क्लीनिंग के लिए आता है, उसको वो लोग बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं। तो उनको कहते हैं कि तुमको हर चीज़ सही से साफ़ करनी चाहिए, तुम क्या समझते हो, मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा अपने पेशेंट्स के सामने, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करी। उन्होंने अपनी क्लीनिंग लेडी को लेटर लिखा और उन्होंने बोला कि मैं तुमको बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, तुम मेरी ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से साफ़ करती हो, और हाँ मुझे पता है कि सिर्फ 2 घंटे में तुम्हें हर चीज़ साफ़ करनी होती है और ये बहुत कम टाइम है जिसमें हर चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता है। अगली बार तुम कोशिश करना कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे मेटल कंटेनर, इस तरह की चीज़ों को भी प्लीज़ साफ़ कर देना, और हाँ अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो मैं तुमको उसके लिए और पैसे भी दे दूँगा। अब अगले दिन जब डॉक्टर अपने ऑफिस वापस आए तो उनको एक एक कोना अपने ऑफिस का साफ मिला और वो कंटेनर और हर और तरह के बर्तन, हर चीज़ बिल्कुल साफ। तो सबसे आसान तरीका बुरे बर्ताव को सही करने का है कि उस इंसान को आप ऐसा दिखाइए कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे उसकी ऑलरेडी अच्छी रेप्यूटेशन है। अभी आपको उल्टा लगेगा सोचने में, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो वो सोचेगा कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ तो वो बदलेगा क्यों। लेकिन यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझनी होगी। जब किसी को लगता है कि आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हैं तब तो उनको लगता है कि ये इंसान जो मेरे बारे में सोचता है इसको मैं सही साबित करना चाहता हूँ। आपके दिमाग में जो अच्छी इमेज उनके बारे में बनी है वो उसको खोना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो इस इमेज को बनाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे शुरू में ही बोल दें कि तुम बहुत बुरे इंसान हो और आप उनको ये दिखा दें कि उनके बारे में आपके दिमाग में एक बहुत बुरी इमेज है, तब वो अपने आप से ये सोचेंगे कि ये इंसान तो मेरे बारे में ऑलरेडी इतना बुरा सोचता है, मैं क्यों और मेहनत करूँ इस इंसान को खुश करने के लिए। तो इसीलिए आपको ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे उस इंसान की पहले से ही अच्छी रेप्यूटेशन है और वो इंसान और ज़्यादा मेहनत करेगा आपको सही साबित करने के लिए। तो समरी में इस वीडियो में आपने सीखा, अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ बोलने की जगह इनडायरेक्टली बोलना आना चाहिए। आप किसी को ऑर्डर देने की बजाय उससे ऐसे सवाल पूछिए जिससे अपने आप वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी से अपना आइडिया अग्री करवाना चाहते हैं तो आप उसको ऐसा फील कराएं कि वो आइडिया उसका अपना है। अगर आप किसी से ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको एक चैलेंज देके देखिए। और अगर आपको किसी का गलत बर्ताव सही कराना है तो आप उसको एक ऐसी रेप्यूटेशन दीजिए, एक ऐसी इमेज दीजिए जिसको वो सही प्रूव करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करें। और आपको ज़रूर इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना चाहिए जो आपके स्क्रीन पे है, जिस पे मैंने पूरी बुक की एक एक पॉइंट की समरी बनाई है। सब्सक्राइब करिए इस तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।